वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड शिजन और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू डू अ फ्रंट फ्लिप। एक फ्रंट फ्लिप कैसे करना है। फ्रंट फ्लिप एक बहुत ही आसान ट्रिक है। लोग इसे नहीं कर पाते तो कुछ बोलते हैं कि बहुत टफ है, इसमें लग जाएगी, ब्ला ब्ला है ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस के साथ करें, करेक्ट टेक्निक के साथ करें, तो आपसे ज़रूर बनेगी। और मैं आज आपको उसकी करेक्ट टेक्निक बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। ओके, सो देखिए, फ्रंट फ्लिप में एक्चुअली लगता क्या है, आपको फ्रंट फ्लिप में स्पीड लगती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग खड़े खड़े भी फ्रंट फ्लिप कर लेते हैं, बट सिंस यू आर एन बिगिनर, आपको अभी सीखना है, एडवांस में जाना है, लाइक मी, मैं भी अभी एकदम नहीं कर पाता। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्पीड चाहिए और थोड़ी गट्स चाहिए। गट्स इसलिए चाहिए क्योंकि आपको आगे साइड फुल घूमना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आपने इसको पहले ट्राई किया होगा, तो ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो हाथ पर तो आ जाते हैं, बट जब बारी आती है हाथ से पलटने की, तो ब्रूम वो गिर पड़ते हैं पीठ के बल। सो इसके बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो आपने देखा, ये थी फ्रंट फ्लिप। ना मेरा पीठ जमीन में टच हुआ, ना मेरे हेड में कुछ हुआ, मैं अपने शूज अपने लेग के बल पर लैंड हुआ। तो देखिए, इसको करने की क्या टेक्निक क्या है, आखिर ये कैसे करें। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, आप स्पीड डालो थोड़ा भाग, ये धीरे धीरे करके पार्ट बाई पार्ट में आपको बता दूँगा। ये जैसा आपने देखा, ठीक करने से पहले मेरा पैर कुछ क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं हल्का से जंप लेता हूँ, बहुत माइनर जंप, क्यों। अब इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, यू। आपको ये धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। और देखिए, ये तो चलिए आप कर लिए कि आपने स्पीड ले आ लिया। अब बारी आई हैंड प्लेसिंग की, आप अपने हाथों को किस तरह रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप भाग के आए, आपके हाथों को कुछ ऐसा होना चाहिए, उनके बीच का गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, उनके बीच का गैप इतना होना चाहिए, एकदम मिडिल में, ताकि जब आप पलटे, जब आप टर्न ओवर करें, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। यू ध्यान से देखिएगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आई पारी खड़े होने की। हैंड स्टैंड जानते होगे ना आप, बस वही चीज़ है। हैंड स्टैंड आपको करना है, प्लस उसमें आपको ज़्यादा स्पीड और फोर्स लगाना है। हैंड स्टैंड ऐसे होता है, आपको अपने हाथों पे खड़ा होना पड़ता है, और अगर उसी को आप थोड़े स्पीड के साथ करें, तो ये आपको बन जाएगा फ्रंट फ्लिप। तो देखा आपने, अब बारी आई टेक्निक की। सबसे पहले तो जब आप ये करते हैं, आपके हाथ में ज़्यादा गैप नहीं होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हवा में जब आपके पैर हो, तो वो एकदम दूर ना रहे, वो क्लोज रहे। जितना क्लोज रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ये हवा में पैर जितना क्लोज रहेगा उतना बेटर होगा। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं कि वो पैर कुछ ज़्यादा फैला रहे ऐसे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपकी है फ्रंट फ्लिप नहीं बनेगी, आप गिर पड़ोगे। ओके, फिर बारी आई, आपने हाथों में तो खड़े हो गए, उसके बाद पलटे कैसे। पलटना बहुत आसान है, ज़रूरत है तो बस एक छोटे से रिमूवल की। आप हाथ में आए, फिर उसके बाद जब आप मतलब जैसे स्ट्रेट होते हो, उसके बाद हल्का सा जब आप टिल्ट हो गए, आपकी जब लेग्स हल्की आगे साइड जाएंगी, तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि वो दोनों हाथों के साथ ही कूद जाते हैं, मतलब दोनों हाथ भी नहीं रहे। बट अगर आप ध्यान से देखिएगा इस बार, ये हाथ मैंने हटा दिया, जिससे मेरे को बहुत आसानी हुई। एक बार फिर से देखिएगा, हाथ में अपना ये वाला लेफ्ट हैंड हटा देता हूँ स्पिन करने का।
आपने देखा, मैंने इस हाथ को हटा दिया। इससे होता क्या है, जब आप दोनों हाथों के साथ करते होंगे तो आपने देखा होगा ये आपका हैंड जो रहता है प्लेन में आके मूव हो रहा है, जिससे आपके यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है शोल्डर्स पर। तो इसी को करने के लिए जब मैंने स्टार्टिंग में किया था, मुझे पता नहीं था, मैं बस ऐसे ही कूद गया और मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मैंने एक्चुअली अपना हाथ हटा दिया। तो इस तरह मेरे से वो बन गया, फ्रंट फ्लिप बन गई और मैंने वो ढंग से किया बिना चोट लगाए। आप भी ये कर सकते हैं। सो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टेक्निक स्पीड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड स्पीड, हल्का सा माइनर जंप ताकि आपको थोड़ा हाइट मिल सके, और आप जितनी ऊंचाई पे वो करोगे ना आपके लिए उतना बेस्ट होगा। स्पीड, हाइट, हैंड स्टैंड, ओके, स्पीड, हाइट, हैंड स्टैंड, एंड द लास्ट वन, रिमूवल ऑफ द लेफ्ट हैंड। देखा आपने, अब इसी को करते करते आप और स्पीड डाल सकते हैं, बट हैंड रिमूवल धीरे धीरे करके पहले आपको क्या होगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, जब आप मतलब अपना हाथ हटा दें ठीक उसी टाइम जब आपकी बॉडी कुछ इस तरह टिल्ट रहेगी, आपको अपने जॉइंट्स, अपने लोअर लेग को फोल्ड करना होगा इस तरह, ताकि जब आप लैंड करें तो जो आपका वॉल ऑफ फुट है, आपका ये जो वॉल ऑफ फुट है वो ज़मीन पर कुछ ऐसे लैंड करें। और सिंस आपका सिर्फ ये लोअर लेग बेंड हो रहा है तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट लैंड होता तो आपके यहाँ जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए बहुत बेसिकली स्पीड, हैंड स्टैंड, रिमूवल ऑफ लेफ्ट हैंड, और जब लेफ्ट हैंड हटेगा आपकी ये राइट हैंड कुछ ऐसा हो जाएगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद पैरों को ठीक तरह से लैंड करना, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब हल्के हाइट से कूदने की, टप टप, इस तरह मुर्गा तो बने हो गए ना यार, टप। तो एक बार मैं जल्दी से आपको लास्ट टाइम करके दिखाता हूँ फुल टेक्निक के साथ, ओके। स्पीड, हैंड स्टैंड, रिमूवल ऑफ हैंड एंड फोल्डिंग ऑफ लेग्स। तो देखा आपने, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फोरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ट्यूटोरियल्स डालूँ, कमेंट इट एंड श्योरली आई सेंड इट। सो थैंक यू, कीप सेफ, ट्रेन सेफ, बाय बाय।